डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में लीड रोल में तबू और अली फजल हैं। तबू ने रॉ एजेंट का कैरेक्टर प्ले किया है और ये फिल्म स्पाई थ्रिलर फिल्म है। जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो ऑडियंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से वेट कर रहे थे और आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही कमाल का है, शानदार है। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज वो अच्छे सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हैदर, मकबूल, माचिस, इश्किया, डेढ़ इश्किया, कमीने, ओमकारा और सात खून माफ जैसी कई ऐसी उनकी फिल्में हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म खुफिया स्पाई थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म में तबू रॉ एजेंट हैं, तो वहीं अली फजल एक देशद्रोही के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, जो कि रॉ में रहते हुए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लीक कर देते हैं। फिल्म 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म खुफिया की कहानी एस्केप टू नोवेयर किताब से अडॉप्ट की गई है। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म में तबू रॉ एजेंट हैं, वो एक जासूस का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और वो एक खतरनाक मिशन पर हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर रॉ के अंदर वो कौन घुसपैठिया है जो कि देश के खिलाफ जा रहा है। और तबू का शक अली फजल पर जाता है, जिसे वो देशद्रोही मानती हैं। अब रॉ के एजेंट अली फजल पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। फिल्म में अली फजल को देशद्रोही कहा जाता है, तो वो ये कहकर अपना बचाव करते हैं कि मेरी सोच इस देश में सबसे आगे है और यही मेरा अपराध है, लेकिन मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं एक कट्टर देशभक्त हूँ। मेरी सोच इस देश की सोच से शायद थोड़ी आगे है, दैट्स माय क्राइम, बट आई एम नॉट अ देशद्रोही, आई एम अ ब्लडी पेट्रियट। अब देखना ये होगा कि आखिर अली फजल फिल्म में देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, ये तो 5 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, लोगों को ये फिल्म मास्टरपीस लग रही है। लोगों का ये तक कहना है कि फिल्म को थिएटर में रिलीज होना चाहिए। ट्रेलर को देखकर ऑडियंस तबू और अली फजल की शानदार एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के बारे में भी काफी कुछ लिखा जा रहा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि विशाल भारद्वाज की ये फिल्म भी उनकी दूसरी फिल्मों की तरह मास्टरपीस होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। आप हमसे सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाय बाय।